देखिए, विनेश फोगाट एक गहरी साजिश और धोखे का शिकार हुई है और ये बात स्वीकार करने में किसी को कहीं गुरेज नहीं होना चाहिए कि भारत से लेके विदेशी धरती तक उनके साथ साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश हुई। भारत की उस बहादुर बेटी को पहले तो जंतर मंतर पे मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया उस दिन जिस दिन संसद का उद्घाटन था, और जब वो विदेशी धरती पर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही थी, पूरा देश उनके ऊपर गौरवान्वित है, गोल्ड मेडल जीतने जा रही थी, ऐसे समय में 100 ग्राम का ओवरवेट दिखा के प्रतियोगिता से उनको अयोग्य घोषित करना, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। विनेश फोगाट साजिशों का शिकार हुई है। क्वार्टर फाइनल में वेट सही रहता है, सेमीफाइनल में वेट सही रहता है, जैसे ही फाइनल में गोल्ड जीतने की संभावना होती है उनको अयोग्य घोषित किया जाता है। यह कैसे हो रहा है? कीनिया जैसा मुल्क, उसके एक खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई किया गया सिल्वर मेडल से, तो उन्होंने अपनी बात मजबूती से सामने रखी और उसका सिल्वर मेडल वापस दिलवाया। भारत की सरकार जहां पे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के अंदर इतनी ताकत है कि वो युद्ध रुकवा देते हैं रूस और यूक्रेन का, वो विनेश फोगाट का सिल्वर मेडल भी नहीं दिलवा पाए और आज उस बेटी को संन्यास लेना पड़ा। ये हम सब के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही दुख का क्षण है। मैं मुनव्वर राणा जी की दो लाइनें कहना चाहूंगा कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंसुओं का समंदर होगा। फोगाट के आंसू देश भूलेगा नहीं और सही मौके पे सरकार को जवाब देगा। आप बहिष्कार की मांग कर रहे थे, ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए भारत सरकार। अगर अपना प्रतिरोध जताकर कीनिया अपने खिलाड़ी का सिल्वर मेडल वापस ले सकता है, तो भारत, जिसको मोदी जी कहते हैं कि हम दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 144 करोड़ वाले देश के प्रधानमंत्री, वो अपना प्रतिरोध क्यों नहीं जता पाए? ये सवाल उठता है। सर, का बिल आ रहा है, गोल्ड संशोधन का बिल आ रहा है, इसे लेकर काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ये वक्फ बिल नहीं है, ये अडानी बिल है। सारी जमीन वक्फ की अडानी को देने की तैयारी है मोदी सरकार के द्वारा, अपने दोस्तों को देने की तैयारी है। अभी आपने देखा 13,000 एकड़ जमीन, सेना की जमीन, अपने दोस्त अडानी को मोदी जी ने अयोध्या में दे दिया, रामदेव को दे दिया, श्री श्री रविशंकर को दे दिया। जब अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में सेना की जमीन नहीं बख्श रहे मोदी जी, तो ये वक्फ बिल मत कहिए, ये अडानी बिल है। ये अडानी और अपने दोस्तों को जमीन देने के लिए मोदी जी ये बिल लेकर, विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे।